और आइए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर। आपको बता दें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने महात्मा गांधी को उनके समाधि स्थल राजघाट पहुंचकर नमन किया। इन चार तस्वीरों में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, जिन्होंने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर उन्हें राजघाट पहुंचकर नमन किया। महात्मा गांधी की आज 155वीं जयंती, और आपको बता दें राजघाट पर बापू को नमन करते हुए एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई, जिसमें बापू के प्रिय भजन गाए गए। साथ ही लाल बहादुर शास्त्री की 120वीं जयंती पर विजय घाट पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके समाधि स्थल विजय घाट पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। लाल बहादुर शास्त्री जी की 120वीं जयंती आज, जिस पर विजय घाट पहुंचकर न सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने पहुंचकर उनको नमन किया, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विजय घाट पहुंचकर शास्त्री जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने शास्त्री जी को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश के जवान, किसान और स्वाभिमान के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम स्वच्छता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण जन आंदोलन स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस मौके पर उन्होंने 9,600 करोड़ रुपये की लागत की साफ सफाई और स्वच्छता से संबंधित कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें अमृत और अमृत 2 के अंतर्गत परियोजनाएँ, गोवर्धन स्कीम के अंतर्गत स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन और 15 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजनाएं शामिल हैं। आज के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है। मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वॉटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोवर्धन प्लांट,
ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा। और इसी वजह से पीएम कहते भी हैं कि जो स्वच्छता है इसको स्वभाव बनाने का ये अभियान भी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में गांधी जी का नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि उनके नाम पर सत्ता बटोरने वाले लोग उनके प्रिय काम को ही भूल गए। आजादी के बाद स्वच्छता पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया। जिन लोगों ने सालों साल गांधी जी के नाम पर सत्ता के रास्ते ढूंढे, गांधी जी के नाम पर वोट बटोरे, उन्होंने गांधी जी के प्रिय विषय को भुला दिया। उन्होंने गंदगी को, शौचालय के अभाव को देश की समस्या माना ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने गंदगी को ही जिंदगी मान लिया। नतीजा यह हुआ कि मजबूरी में लोग गंदगी में ही रहने लगे, गंदगी रूटीन लाइफ का हिस्सा बन गई, समाज जीवन में इसकी चर्चा तक होनी बंद हो गई। इसलिए जब मैंने लाल किले की प्राचीर से इस विषय को उठाया तो देश में जैसे तूफान खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने तो मुझे ताना दिया कि शौचालय और साफ सफाई की बात करना भारत के प्रधानमंत्री का काम नहीं है। ये लोग आज भी मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन साथियों, भारत के प्रधानमंत्री का पहला काम वही है जिससे मेरे देशवासियों का, सामान्य जन का जीवन आसान हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरीकरण के बढ़ने से आने वाले समय में स्वच्छता को लेकर चुनौतियां बढ़ेंगी। पीएम ने कहा कि आने वाले समय में ऐसी तकनीक विकसित करनी होगी जिससे शून्य कचरा उत्पन्न हो। जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, शहरीकरण बढ़ेगा, वेस्ट जनरेशन की संभावनाएं भी बढ़ेगी, कूड़ा कचरा ज्यादा निकलेगा और आजकल जो इकोनॉमी का एक मॉडल है यूज एंड थ्रो, वो भी एक कारण बनने वाला है। नए नए प्रकार के कूड़े कचरे आने वाले, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आने वाला है। इसलिए हमें फ्यूचर की अपनी स्ट्रेटेजी को और बेहतर करना है। हमें आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जिससे रिसाइकल के लिए सामान का ज्यादा उपयोग हो सके। हमारी जो कॉलोनियां है, हमारे जो हाउसिंग है, कॉम्प्लेक्सेस है, उनको हमें ऐसे डिजाइन करना होगा कि कम से कम जीरो की तरफ हम कैसे पहुंचे। हम जीरो कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अंतर बचे जीरो से। हमारा प्रयास होना चाहिए कि पानी का दुरुपयोग ना हो और वेस्ट पानी को ट्रीट करके इस्तेमाल करने के तरीके सहज बनने चाहिए। तो कैसे स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा सकता है और जो भविष्य की तमाम योजनाएं हैं वहां भी कहीं ना कहीं स्वच्छता को केंद्र में रखा गया है, इस बात का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। और खासतौर से स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट कर एक वीडियो साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत आज स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूर्ण होने का जश्न मना रहा है। स्वच्छ भारत मिशन भारत को स्वच्छ बनाने और बेहतर स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण सामूहिक प्रयास है। इसके साथ ही पीएम ने आंदोलन को सफल बनाने वाले लोगों की सराहना भी की। दो अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। यह अवसर उन लोगों के अभिनंदन का है जिन्होंने इसे भारतीय इतिहास का इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया।
आपको लगता होगा क्या लाल किले से सफाई की बात करना, लाल किले से टॉयलेट की बात बताना, ये कैसा प्रधानमंत्री है? मैं नहीं जानता हूं मेरी कैसी आलोचना होगी, इसे कैसे लिया जाए, लेकिन मैं मन से मानता हूं, मैं गरीब परिवार से आया, मैंने गरीबी देखी और गरीब को इज्जत मिले इसकी शुरुआत यहीं से हुई। क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं, जब तक अंधेरा नहीं आते हैं वो शौच के लिए नहीं जा पाती, उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती हैं। क्या हमारी मां बहनों की इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते? ये स्वच्छ भारत मिशन की ही सफलता है कि वेस्ट टू वेल्थ का मंत्र लोगों में लोकप्रिय हो रहा है। लोग रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल पर बात करने लगे। स्वच्छता को लेकर जारी अभियान से हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है और ये अभियान किसी एक दिन का, एक साल का नहीं होता है, ये युगों युगों तक निरंतर करने वाला काम है। ये जब तक हमारा स्वभाव बन जाए स्वच्छता, तब तक करने का काम है। तो देखा आपने वीडियो और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का जो एक संदेश है वो यही कि स्वच्छता जब तक स्वभाव ना बन जाए, जब तक इस तरह का जो अभियान है वो हमें चालू रखना होगा, वो चलते रहना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के लोधी कॉलोनी में स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया। इस स्वच्छता अभियान में जेपी नड्डा के साथ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद बांसुरी स्वराज और रोहिणी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक पिछले एक दशक से स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन कर रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता का आह्वान दिया था, लेकिन इस स्वच्छता की स्पिरिट को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को लिया तो स्वच्छता अभियान एक जन आंदोलन बन गया और जन आंदोलन के साथ साथ आम साधारण नागरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक हो, उसको स्वयं से ये महसूस हो कि हमें गंदगी नहीं फैलानी है और स्वच्छता रखनी है और खुद भी स्वच्छ रहे और समाज को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करे, ये जन आंदोलन पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान में चल रहा है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े को सफल बनाने के लिए देश के साथ साथ विदेशों में भी अभियान चलाया गया। इस क्रम में सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया, जिसमें भारतीय दूतावास के अधिकारियों, कर्मियों और भारतीय समुदाय के अन्य सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दूतावास ने स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत एक पेड़ माँ के नाम अभियान से की। इसके तहत 1500 से अधिक पौधे लगाए गए। इस पूरे अभियान के दौरान सेल्फी पॉइंट एक लोकप्रिय आकर्षण बना, जिसमें परिवारों ने स्वच्छता अभियान में अपने यादगार पलों को कैद किया। तो ना सिर्फ देश में बल्कि आप देख सकते हैं दूसरे देशों में भी स्वच्छता अभियान जो है, और ख़ास तौर से पखवाड़ा जो कि शुरू होता है 17 सितंबर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से, वो 2 अक्टूबर तक चलता है। और इसमें हमने देखा किस तरीके से लगातार बदलाव आ रहे हैं और ख़ास तौर से कैसे जो स्वच्छता है उसको स्वभाव बनाने की कोशिश हो रही है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। प्रोफेसर मखनलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, लेखक और इतिहासकार हैं।
बहुत बहुत स्वागत आपका प्रोफेसर साहब। सबसे पहले जानना चाहूँगा, जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री का एक संदेश है कि जब तक जो स्वच्छता है ये स्वभाव नहीं बन जाती, तब तक शायद आवश्यकता है कि इस तरह के अभियान जो हैं वो निरंतर चलते रहें और एक संदेश लगातार समाज में रहे कि आखिर क्यों आवश्यक है स्वच्छता। प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बार लाल किले से ये बात कही थी तो गांधी जी की याद दिलाते हुए उन्होंने ये बात कही थी। दिल्ली से ये संदेश देना गांधी जी के जीवन के एक प्रकरण से शुरू करते हैं। गांधी जी जब भी दिल्ली आए जी तो वो कभी भी राष्ट्रपति भवन में नहीं रुके, कभी भी राष्ट्रपति वायसराय हाउस में नहीं रुके, कहीं बड़ी जगह नहीं रुके। तो उनके रुकने का स्थान अगर आपको याद हो भंगी कॉलोनी कहलाता था। और उन्होंने दो बातें कही कि भारत गाँव में बसता है और दूसरी बात कही कि भारत से गंदगी दूर हो जानी चाहिए जी। उसी से उन्होंने स्वास्थ्य को जोड़ा, उसी से गांधी जी ने आर्थिक रूप से जोड़ा, अर्थ से जोड़ा, स्वास्थ्य से जोड़ा, देश की प्रकृति से जोड़ा। और एक बात जो हम कम से कम ये क्लेम कर सकते हैं कि 55 वर्षों से मैं इस देश की राजनीति को समझ रहा हूँ, देखता हूँ, अर्थ को देख रहा हूँ। कभी भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने, आदरणीय जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह ने, कभी स्वच्छता की बात नहीं की, ग्रामों की बात नहीं की। हमेशा अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी, अर्बन डेवलपमेंट होगा, गांव का कोई मिनिस्ट्री नहीं थी। देयर वाज नो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इट वाज मोदी हु केम एंड इन ट्रू स्पिरिट ऑफ गांधी जी द फर्स्ट थिंग ही टुक अप वो ये था कि हमें स्वच्छ बनाना है। और तीन चीजें आप देखिए जो स्वच्छता की ओर ले जाती हैं। मोदी जी ने टॉयलेट की बात की, झाड़ू पोछे की बात की, सफाई की बात की। उज्ज्वला योजना भी आपके स्वास्थ्य और सफाई से संबंधित थी जी। करोड़ों लोगों को दिए गए गैस के कनेक्शन जिससे जो गंदगी होती थी और चीजों से वो खत्म जाए। बिल्कुल। और प्रोफेसर साहब बड़ी बात ये हुई कि करोड़ों टॉयलेट्स बनाई गई जी, 11 करोड़ से अधिक जी, 11 करोड़ आपके पास तो पूरी है जी। और ये गांधी जी को अगर आप याद कीजिए भंगी कॉलोनी में या वर्धा आश्रम में या अहमदाबाद में, सबसे पहले उन्होंने टॉयलेट की बात वो करते थे जी। यहां तक वो कह देते थे कि टॉयलेट साफ करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, आपको खुद साफ करना पड़ेगा। बिल्कुल, लगातार स्वच्छता को वो भी बढ़ावा देते थे। लेकिन जब हम बात करते हैं स्वच्छ भारत से स्वस्थ भारत की ओर, क्योंकि हाल ही में हमने देखा था नेचर मैगजीन में जो लेख प्रकाशित हुआ था जिसके तहत बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन से हर साल करीब 60 से 70 हज़ार जो बच्चे हैं उनको एक नई जिंदगी मिली है, जो कि कहीं ना कहीं बीमारियों का शिकार हो जाते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी, उसमें बड़ा बदलाव आया है। डायरिया की अगर बात की जाए 3 से 4 लोग प्रतिवर्ष इससे पीड़ित होते थे, उनको खतरा हो जाता था। महिलाओं का आप जिक्र कर रहे हैं कि जो बीमारियाँ हैं वो लगती थी। तो कहीं ना कहीं जो विजन दिया गया प्रोफेसर साहब वो अब सार्थक होता नजर आ रहा है, स्वच्छ भारत से स्वस्थ भारत की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। देखिए स्वच्छ भारत ही घर में भी, हमारे घर में, आपके, मैं गांव का रहने वाला हूँ, भाग्य है मेरा, सौभाग्य है कि मैं गांव का रहने वाला हूँ और वहां से मेरा संबंध बना हुआ है। आप जब स्वस्थ हैं, निरोग हैं, तब आप हर तरह से जीवन में आगे बढ़ते हैं जी। स्वस्थता तभी आती है जब आप स्वच्छ जगह पर रहें जी। गंदगी आपके शरीर में जाती है और ये कहा जाता है कि शरीर अगर साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, आप स्वस्थ नहीं रह सकते। और मोदी जी ने जो एक मिशन लिया जो जीवन के सारे एस्पेक्ट से, सारे आयामों से जुड़ा है जी, वो स्वच्छता। अगर आप स्वच्छ हैं तो स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं तो जो पैसा, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया देश का, आपका, हमारा जाता है इलाज में, वो बचता है। जब वो बचता है तो विकास के कामों में आता है जी। आप हमेशा निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते हैं। और विकास जब किसी व्यक्ति का होता है, समाज का होता है, तो वो विकास देश का होता है।
जी, यानी सर्वांगीण विकास जो है, और इसको प्रोफेसर साहब हम ऐसे भी देख सकते हैं कि आमतौर पर क्योंकि जब स्वच्छता नहीं अगर रहती है तो बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, बीमारी होती हैं उसमें भी लागत लगती है, लेकिन अब वही शायद एक बचत के रूप में जो आम जनता है, जो गरीब परिवार हैं, जो गांव में बसती है, वहाँ अगर देखा जाए तो शायद एक बचत जो है आर्थिक रूप से भी वो मजबूत हो रहे हैं स्वच्छता के कारण। बात यही थी, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी ने भी इस बात को इंगित किया था, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी, आप कहा कि जो पैसा आप दवाइयों में खर्च कर रहे हैं, जो पैसा आपका बर्बाद हो रहा है, वो पैसा आपके जीवन में और अच्छे कामों को खर्च करने में आता है, वही पैसा बचता है जिसको आप बच्चों की पढ़ाई में खर्च करते हैं, वही पैसा बचता है जिससे आपका जीवन का उन्नति होती है जीवन में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। तो यानी हर तरह से ये चीजें आगे बढ़ती हैं। जब आप किसी वैद्य के पास जाइए, सबसे वो पहले कहता है कि आपका पेट जो है गंदा है, गड़बड़ है, इसलिए आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक है। यानी गंदगी चाहे पेट में हो, चाहे धरती पर हो, चाहे समाज में हो, वो समस्या पैदा करती है। लिहाजा उससे दूर पाने के लिए, दूर जाने के लिए, उसे हटाने के लिए मोदी जी ने जो पिछले 10 वर्षों में काम किया है, दुनिया में, मैं भारत वर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में किसी भी देश में इस स्तर पे ऐसा काम सरकार के लेवल पे, व्यक्ति के लेवल पे, समाज के लेवल पे नहीं किया गया। जी बिल्कुल, और इसकी प्रशंसा जो है, मोदी जी का डिटर्मिनेशन है जिसके साथ समाज उठ के खड़ा हो गया। देखिये, समाज का साथ खड़ा होना एक बात दर्शाता है, समाज किसी भी नेता के साथ नहीं खड़ा होता जब तक कि उसका उसमें विश्वास न हो। पूरा समाज हर तरह से खड़ा हो गया, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक, यहाँ कूड़ा मत फेंकिए, यहाँ ये मत करिए, यहाँ वो मत करिए, ये मोदी के प्रति समाज की आस्था है। जी बिल्कुल, और जब हम बात करते हैं प्रोफेसर साहब, क्योंकि अब से पहले जैसा आपने कहा कि शायद जो शहरी विकास है उस पर सबका ध्यान होता था, लेकिन जब ग्रामीण विकास की हम बात करते हैं, और खासतौर से जहां कहा जाता हो कि विकास का रास्ता जो है वो गांव से होकर गुजरता है, अब आज के समय में हम देखते हैं करीब 5.5 लाख से अधिक जो गांव हैं हमारे, वो पूरी तरीके से ऑरिफ के उसमें है, खुले शौच से मुक्ति उनको मिल चुकी है। तो किस तरीके से जो ग्रामीण स्तर पर जो विकास हो रहा है, क्योंकि देश का विकास हम देख पा रहे हैं कैसे हो रहा है, और उसमें ग्रामीण विकास की जो भूमिका है वो काफ़ी अहम मानी जा रही है आज के समय में। आपको मुकुल जी, मैं गाँव का हूँ तो गाँव के एग्जाम्पल से ही चलना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारा गांव इलाहाबाद से मुश्किल से 35 किलोमीटर पे है। जी, इलाहाबाद बिजली सैकड़ों साल रही, लेकिन मेरे गांव में 35 किलोमीटर दूर जो बिजली आई है वो 1969 में आई है। जी, और 1969 में सभी गांव में नहीं आई, कुछ प्रिविलेज विलेजेस थे वहां आई है, और 2015, 16, 17, 18 तक भी लाखों गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं गई। जी, विकास के चरण को इसे देखिए, कभी हम लोगों ने पक्की सड़क मीलों मील 2500 किलोमीटर नहीं देखी थी। हर गांव गांव अब पक्की सड़क हो गई है, गांव जुड़ गए हैं, और इन सब का फायदा होता है दो लेवल पे, मोबिलिटी आपकी बढ़ती है, सामान की मोबिलिटी बढ़ती है, एंड यू गेट द बेस्ट व्हाट इज देयर इन द वर्ल्ड। तो यानी हम मान सकते हैं स्वच्छता के अपनाने से किस तरह का जो बदलाव है वो हम देख पा रहे हैं, सामाजिक विकास की बात की जाए, आर्थिक विकास की बात हम करें, हर स्तर पर इसका जो प्रभाव है वो नजर आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना प्रोफेसर खनाल जो बता रहे थे किस तरीके का जो विकास है वो हुआ है, और आखिर क्यों स्वच्छ भारत मिशन जो है इसकी आवश्यकता थी, और आज जब ये 10 वर्ष पूरे कर चुका है तो